आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग चार स्टॉक के रिव्यू आप सभी के साथ करने जा रहे हैं और ये चारों ही स्टॉक काफ़ी बड़े माने जाते हैं, दिग्गज स्टॉक्स हैं, कंपनीज अच्छी हैं, बिजनेस अच्छे हैं, बट चूंकि मार्केट सेंटिमेंट है तो इसमें काफ़ी गिरावट आ चुकी है इन चारों ही स्टॉक्स के अंदर और अब निवेशकों का ये मानना है कि अब हमें क्या करना चाहिए। सो दोस्तों देखते हैं कि अगले लेबल्स क्या होते हैं चारों स्टॉक। नंबर वन द PNB हाउसिंग, एस्कॉट्स एडवाइसेस फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड जो नंबर फोर्थ है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाटा मोटर्स। बहुत सारे लोगों की होल्डिंग्स है टाटा मोटर्स के अंदर। सो लेट सी स्टार्ट। टेली चार्ट पे बात कर रहे हैं हम लोग बिकॉज मार्केट में अब हर दिन नया दिन है और क्या होने वाला है आज और क्या होगा कल को कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस रफ्तार से मार्केट में एक बड़ी गिरावट का दौर आया उसमें लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला। और यही होता है जनरली कि आपको संभलने के मौके नहीं मिलते लेकिन इंडिकेशन आपको काफ़ी टाइम पहले मिल जाते हैं। अब डिपेंड आप पे करता है कि क्या आप उन इंडिकेशंस को फॉलो करते हैं या नहीं करते। एडवाइसेस फाइनेंशियल सर्विसेज डबल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम को ब्रेक किया है, सॉरी PNB हाउसिंग ने डबल टॉप यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड में 2018 को बनाया, सिंगल टॉप 28 अगस्त 2018 को बनाया डबल टॉप 1436 के लेवल पर डबल टॉप ब्रेक नहीं हुआ। एंड देन उसके बाद 28 अगस्त के बाद मार्केट में जब गिरावट का दौर शुरू हुआ इसमें तो स्टॉक नॉन स्टॉप फॉलिंग की कंडीशन में आया। यहाँ पर एक इंडिकेशन आया था, एक दोजी स्मॉल दोजी कैंडल क्रिएट हुई, उसके बाद कंटिन्यूस फॉल देन अगेन कंटिन्यूस फॉल और स्टॉक ने इंडिकेशन दे दिया कि अब वो ट्रिपल बॉटम बनाने जा रहा। और यहाँ के बाद आप देखेंगे एक बॉटम 9 मार्च 2018 को, सेकेंड बॉटम 22 जून 2018 को, ट्रिपल बॉटम बनाया स्टॉक ने 24 सितंबर 2018 को। यानी कि आप जब ट्रिपल बॉटम पे आ जाते हैं 1081 पे, उसके बाद ये ब्रेक होता है तो और बड़े फॉल आते हैं। और आप यही देखेंगे कि जब इतना 1081 का ट्रिपल बॉटम लेवल तोड़ा और अब स्टॉक ऑलमोस्ट 886 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। बट अभी गिरावट का दौर थमा नहीं, अब ये मत सोचिएगा गिरावट का दौर थम गया, क्योंकि अब नेक्स्ट सपोर्ट जो है PNB हाउसिंग का वो है 798 टू 800 लेवल। दैट विल बी द मोस्ट क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल इन द PNB हाउसिंग। जिन लोगों की भी शॉर्ट टर्म की पोजीशन है, महीना दो महीना तीन महीने की, वो दूर रहें PNB हाउसिंग से, लिमिट में पोजीशन है काट सकते हैं। कैश में पोजीशन जिन लोगों की है दायरा लगभग 12 से 18 या 24 महीने का है, वो अपनी पोजीशन को पकड़ के रखें। स्टॉक बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत शानदार है, बस सेंटिमेंटल टेक्निकली इस समय वीक मार्केट है और वीक मार्केट के समय गिरावट के दौर में आपको बॉटम का इंतज़ार करना चाहिए ताकि जब आपको मोस्ट क्रूशल बॉटम मिले और वहाँ से रिवर्सल का इंडिकेशन आए तो आप वहाँ पर एवरेजिंग डाउन कर पाए। सो 800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिन लोगों को एवरेजिंग डाउन करनी है वो 800 के लेवल पर कर सकते हैं PNB हाउसिंग में, बट उससे पहले छोटी अवधि के निवेशक दूर रहे PNB हाउसिंग से। एंड नेक्स्ट आता है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड स्टॉक के बारे में, एडवाइसेस फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। दोनों ही फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, एक फाइनेंस एंड हाउसिंग है, एक इन्वेस्टमेंट का है। और देखिए दोनों ही सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, बॉटम ब्रेक किया, यहाँ पर देखिए डबल बॉटम और ये ट्रिपल बॉटम ब्रेक किया 266 का, एंड उसके बाद अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 180 पे ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये सपोर्ट इसका 29 जून 2017 को बना था 180 का सपोर्ट, और उसके बाद इसने अपना हाई टच किया 340 का, एंड अगेन सेम 189 के रेंज में चल रहा है। यानी कि यहाँ से मोस्ट क्रूशल सपोर्ट लेवल वीकली कैंडल पर भी अगर ये वीकली क्लोजिंग 180 के नीचे दे देता है तो फिर आप मान के चलिए 160 का भी लेवल आपको इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन एडवाइसेस फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बहुत अच्छी चीज़ है, एक तो ये कंपनी बहुत स्ट्रांग कंपनी है, दूसरी चीज़ कंपनी ने 2017 में ही फ्रेश बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है और वो इसकी सारी प्रक्रिया में लगा हुआ। तो मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स पर इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाना और अगले कुछ समय के लिए थोड़ा सा लंबी टेन्योर रखना तो आपको अच्छे मुनाफे अच्छे बेनिफिट्स जरूर ये स्टॉक देगा, रिटर्न भी अच्छा देगा आपको। तो ये एडवाइसेस फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में हमने बात किया। टाटा मोटर्स बहुत ही दिक्कतों परेशानियों से जूझ रहा है, टाटा ग्रुप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है इस वक्त टाटा मोटर्स के ऊपर, जिस तरह की खबरें चल रही हैं कि ये यू नो
जो स्टेक्स हैं वो भी बाय बैक कर रहे हैं, खरीद रहे हैं शेयर्स को, इवन ओपन मार्केट से भी या जो भी छोटे मोटे निवेशक हैं उनसे कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये आने वाले समय में अपने कैपिटल के थ्रू या और भी प्रयास करें, क्योंकि कंपनी इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर फोकस कर रही है तो वो टाटा मोटर्स के ऊपर कर रही है, क्योंकि ये जो यूनिट है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डेट बर्डन में है और कंपनी का पूरा फोकस है, टाटा ग्रुप का पूरा फोकस है कि किसी भी तरह से टाटा मोटर्स को डेट के बर्डन से उभार के ऊपर की तरफ लेके आए, जिससे कि इसमें स्ट्रेंथ भी आए। बट फिलहाल के लिए 223 पर ट्रेड कर रहा है, आने वाले समय में स्टॉक 190 का लेवल भी टच कर सकता है, तो आप मान के चलिए छोटी अवधि के निवेशक 190 का टारगेट रहेगा इसमें, तो आप इससे दूर रहें। लंबी अवधि के निवेशक मान के चले 190 विल बी द एग्जिट स्टॉप लॉस ऑन द वीकली एंड द मंथली चार्ट। अगर आपको वीकली और मंथली चार्ट पे स्टॉक 190 के नीचे देखने को मिलता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको 130 से लेके 140 के रेंज में स्टॉक दोबारा से मिल पाएगा। तो ये टाटा मोटर्स के बारे में बात की हमने, और अगला दिग्गज है एस्कॉट्स, जो कि ऑटो और ट्रैक्टर सेक्टर का। इस बार वैसे तो बारिश बहुत बढ़िया हुई है और जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर उसमें काफ़ी बूस्टअप भी रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे। जो Q2 आ रहा है आपका, मुझे लगता है कि इस बार जो ट्रैक्टर्स की सेल्स है वो राइज जरूर हुई होगी, क्योंकि जिस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर पर नई नई स्कीम्स लेके आई है गवर्नमेंट, और दूसरी चीज़ सबसे अच्छी कि जो इस बार का जो वेदर रहा है, रेनी सीजन रहा है, वो बहुत बढ़िया रहा है, और यहाँ पर वो बेनिफिट हमें टाटा एस्कॉट्स के आने वाले रिजल्ट्स में देखने को मिल सकते हैं। बट फिलहाल एस्कॉट्स अपना बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है, और जो एस्कॉट्स का बॉटम फॉर्मेशन है दोस्तों वो हम आपको बता देते हैं। फिलहाल ये स्टॉक 584 का लेवल मेंटेन करेगा, यहाँ पर हम आपको बता दें 584 के आसपास का लेवल मेंटेन करेगा क्लोजिंग चार्ट पे, 587 विल बी द क्लोजिंग चार्ट पे ये मेंटेन करेगा। अगर क्लोजिंग चार्ट पे 580-85 टूट जाता है देन ये 550 तक आ सकता है, बट बहुत ज़्यादा गिरावट अब इसमें स्टॉक में नहीं है, मुझे नहीं लगता अच्छे लेवल रहेंगे। अगर आपको 550 का रेंज मिलता है स्कॉट्स के अंदर देन आप डेफिनेटली एवरेजिंग डाउन कर सकते हैं, अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। ये स्टॉक वापस 1000 का लेवल बहुत ही क्विक टाइम में रिकवर करेगा, एक बार मार्केट सेटल हो जाए, स्टेबल हो जाए, उसके बाद ये स्टॉक अपनी नई ऊंचाइयों को दोबारा छुएगा। अच्छा स्टॉक है, आप इसमें बने रहिएगा। सो गाइस, ये हमने चार स्टॉक के बारे में बात की, आप लोग भी अपनी एनालिसिस कीजिएगा, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी टेक्निकली वो हमने आपके साथ शेयर कर दी, फंडामेंटल हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके, फ़ायदा हो सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में कुछ नए स्टॉक्स के बारे में रिव्यू करेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मनी ट्री।